क्या आप लोगों को पता है दुनिया की पहली कार कौन सी थी, मतलब वर्ल्ड्स फर्स्ट कार? तो ये रही मेरे पीछे, आप लोग देख सकते हो अंदर एक टीवी भी रखा गया है, मतलब कितना लग्जरियस ये कार है। बहुत जोरों से बारिश चल रही है, आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ से मुझे निकलना ही पड़ेगा, लाइट शो वगैरह कुछ नहीं होने वाला है। अभी मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ पर लगभग टेम्परेचर 13 डिग्री था, और अभी मैं जहाँ पर आया हूँ ना कोयम्बतूर, यहाँ पर 34 डिग्री टेम्परेचर है। सबसे पहले तो मुझे अभी एक होटल सर्च करनी है, क्योंकि ये सामान रख कर ना यहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए निकलना है। अगर ये सामान लेकर घूमूंगा तो थोड़ा मुश्किल होगा। अभी एक जगह पर मुझे रूम मिल चुकी है 500 रुपीज कॉस्ट है, बट रूम दिखाने लायक नहीं थी इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं। मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं ना मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, तो आज जिस जगह पर मैं जाने वाला हूँ ना वो जगह बहुत ज़्यादा यूनिक है, और वहाँ पर जो भी चीज़ है ना वो तो उससे भी ज़्यादा यूनिक है। तो अभी उसके लिए मैं निकल रहा था, एक बस में बैठा था, क्योंकि जिस लॉज में आज मैं रुका हूँ ना वहाँ पर मैंने पूछा था कि मुझे जीडी नायडू म्यूजियम जाना है, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया बहुत ज़्यादा यूनिक जगह है, तो वहाँ पर जाने के बाद मैं आपको दिखाई दूंगा। तो उन्होंने मुझे बोला था कि बस स्टैंड से तुझे टाउन हॉल की बस पकड़नी है, लगभग 7 रुपये टिकट रहेगा, तो मैंने पकड़ी बट उन्होंने मुझे गलत जगह पर छोड़ दिया। अभी मैं चलकर जा रहा हूँ, यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस दिखा रहा है। अभी मुझे ऑटो पकड़ना पड़ेगा, मैंने ऑटो इसलिए नहीं किया था क्योंकि ऑटो बहुत ज़्यादा चार्ज लेता है, यहाँ पर 2 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए 80 रुपीज़ चार्ज लेते हैं ये लोग, तो सोचा था बस से जाऊंगा बट अभी उल्टा ही हो गया, फिर से यहाँ से ऑटो पकड़ के जाना पड़ेगा। एक बंदे से मैंने लिफ्ट मांगी तो उसने मुझे इस म्यूजियम के सामने लाकर छोड़ दिया, तो अभी जाते हैं म्यूजियम में। म्यूजियम मेरे सामने ही है और बाहर से ही देखने में इतना ज़्यादा मस्त लग रहा है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी इसकी झलक। ₹75 पर हेड टिकट है यहाँ पर देखने के लिए, तो जाकर पहले टिकट निकालता हूँ, म्यूजियम के अंदर जाकर देखते हैं कि म्यूजियम कैसा है। तो ऐसा कुछ आपको टिकट मिलेगा ₹75 का, और अभी जा रहा हूँ मैं म्यूजियम में नीचे। तो इस म्यूजियम की स्टार्टिंग 27 अप्रैल 2015 में हुई थी। लोगों को पता है दुनिया की पहली कार कौन सी थी, मतलब वर्ल्ड्स फर्स्ट कार? तो ये रही मेरे पीछे, अगर आप गूगल पर भी सर्च करोगे तो आपको यही कार देखने को मिलेगी। ये दुनिया की पहली कार थी, मतलब जिसका इन्वेंशन हुआ था। यहाँ पर उसका एक पीस रखा गया और इसका ईयर ऑफ प्रोडक्शन है 1886। सोच सकते हो इस म्यूजियम में दुनिया की पहली कार आपको देखने को मिलेगी। इस कार का इंजन भी आप लोग देख सकते हो, बैक साइड से इंजन है, और इसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जिन लोगों को जाननी है तो बेंज मोटर वैगन रेप्लिका है ये, और देख सकते हो। अभी जो आप मेरे पीछे कार दिख रहे हो ना ये ओरिजिनल नहीं है, ये रेप्लिका है, बट शायद ही आपको कहीं पर देखने को मिलेगी। रेप्लिका भी देखने को मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इस म्यूजियम में आपको देखने को मिल सकती है। ये तो बस शुरुआत थी, आगे अभी बहुत बड़ी बड़ी कार्स आने वाली है। बहुत सारी कार यार, मैं आप सबको हर एक कार तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कितनी सारी कार्स यहाँ पर रखी गई है। तो फटाफट जो जो कार ना मुझे ज़्यादा पसंद आ रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये अभी मैंने देखी थी, देखो ये वाली भी, और यहाँ पर एक MG की भी देखी थी, MG मॉरिस, जो अभी MG हेक्टर भी है शायद, तो उनका और ये लोगो देखो सेम ही है, शायद ये उनकी ही कंपनी है। अभी आप लोग इस कार की साइज़ देखो, बस साइज़ कितनी बड़ी यार ये कार, और देख सकते हो पीछे भी साइज़ देखो उसकी। तो अभी आप जो मेरे पीछे कार देख रहे हो ये है रोल्स रॉयस, जो नई वाली है ये वो तो देखने का मौका नहीं मिला, बट ये ओल्ड वाली 1925 में इसका प्रोडक्शन हुआ था, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रोल्स रॉयस भी रखी गई है पुरानी वाली। ये फर्स्ट रोल्स रॉयस, और ये रही सेकंड वाली, तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो कितनी शानदार लग रही है ना, और इसका प्रोडक्शन कब हुआ था 1976 में। इस कार का आप शेप देख सकते हो, और इसको बबल कार कहते हैं। सच बताना, आप में से कितने लोगों ने अपनी लाइफ में लिमोजिन को देखा है? मैंने तो नहीं देखा है, बट आज मुझे यहाँ पर देखने का मौका मिला है, और मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ। '97 में इसका प्रोडक्शन हुआ था, और आप लोग देख सकते हो अंदर एक TV भी रखा गया है, मतलब कितना लग्जरियस ये कार है। जैसा आज देखने का मौका मिला है, काश वैसा ही उसमें बैठने का और घूमने का मौका मिलता तो मज़ा ही आ जाता। GD नायडू सर है जिनके वजह से आज हमें ये कार म्यूज़ियम देखने का मौका मिला, मतलब उन्होंने ही ये सब अरेंजमेंट की थी, उनको कार का और बाइक्स का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए आपने देखा ना बहुत सारी कार की बहुत जगह की। म्यूज़ियम के बाहर भी देख सकते हो एक कार को कैसे लगा कर रखा है। सर ऊटी घूमने के लिए आ रहे हो और कोयम्बतूर तक आपकी ट्रेन है, तो इस जगह को आप लोग विजिट कर सकते हो, वर्थ है, 75 रुपीज़ देना वर्थ है, और चीज़ें भी आपको यूनिक देखने को मिलेगी। और एक बात, कोयम्बतूर के ऑटो वाले से बच के रहना कि ये लोग बहुत ज़्यादा स्कैम करते हैं, बस 2 से 3 किलोमीटर डिस्टेंस का 100-150 रुपीज़ आपको चार्ज बोलेंगे। मुझे खुद को नहीं पता था कि कोयम्बतूर में ऐसा म्यूज़ियम है, वो तो कल मुझे रोहित और राज ने बताया कि यहाँ पर ऐसा एक म्यूज़ियम है, क्योंकि वो थोड़े दिन पहले यहाँ पर आकर गए थे। तो अभी ना मुझे यहाँ से और एक प्लेस जाना है, जिस प्लेस के लिए मैंने कोयम्बतूर की ट्रिप प्लान की थी एक दिन की, तो उस प्लेस को जाने के लिए सबसे पहले मुझे अभी बस स्टैंड जाना पड़ेगा, तो बस स्टैंड को जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। तो अभी मैं गांधीपुरम बस स्टॉप पर आ चुका हूँ, तो आपको बताता हूँ मैं कहाँ पर जाने वाला हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ ईशा फाउंडेशन, आप में से बहुत लोगों को पता होगा लॉर्ड शिवा की मूर्ति अधि होगी, जिसको लार्जेस्ट बस क्लप्चर इन द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो अभी उसको जाने के लिए ना आपको गांधीपुरम स्टेशन आना पड़ेगा। अगर आप में से भी बहुत लोगों को वहाँ पर जाना है तो आपको पहले कोयम्बतूर आना पड़ेगा, कोयम्बतूर से गांधीपुरम बस स्टेशन, तो यहाँ से आपको बसेस मिलेगी। अभी मैं आपको बस का चार्ज बोलता हूँ, एंड मुझे पता है ये सबसे चीपेस्ट जर्नी होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर जाने का टिकट बहुत ज़्यादा कम है। तो इस स्टॉप पर आपको बहुत सारी बसेस खड़ी मिलेगी जो कि ईशा फाउंडेशन को जाती है, बस आपको पूछना पड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से बैठना है। तो अभी मैं बस में बैठ चुका हूँ। बस 40 रुपीज़ टिकट है जाने का ईशा फाउंडेशन के लिए, तो अभी मैंने निकाल लिया है, तो आप लोग भी आओगे तो 40 रुपीज़ ही देना, और जाने का 40 और आने का 40, मतलब 80 रुपीज़ में आपकी जर्नी हो जाएगी।
लगभग एक घंटा 30 मिनट्स यानी कि 1 hour 30 minutes की जर्नी के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं ईशा फाउंडेशन। 30 किलोमीटर डिस्टेंस है बट उसके लिए 1 hour 30 minutes लगते हैं। तो अभी यहाँ से मुझे लॉर्ड शिवा का स्टैचू दिख रहा है, फटाफट वहाँ पर जाते हैं एंड देखते हैं। और हाँ, अगर आप अपने फैमिली के साथ आ रहे हो और अगर आपकी फैमिली में ओल्ड पर्सन जिनको चलने में दिक्कत आती है तो आप ऐसी सवारी लेकर जा सकते हो। शायद उसके कुछ चार्जेस रहेंगे तो आपको चार्जेस देना पड़ेगा, तो ऐसे भी आप लोग जा सकते हो। ये पूरे नीलगिरी हिल्स है और ये देख सकते हो आप कितना मस्त सा व्यू है ना। और ये रही लॉर्ड शिवा की मूर्ति। ये रहा लॉर्ड शिवा का स्टैचू, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ना। ओम नमः शिवा। इस जगह को ऐसे ही नहीं कहते, लार्जेस्ट बस स्कल्पचर इन द वर्ल्ड। तो अभी ना यहाँ पर 7 बजे एक शो भी होगा, उस शो को देखने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। वहाँ पर कितना मस्त रेनबो नजर आ रहा है देख सकते हो आप, और यहाँ पर एक क्लाउड्स और सबसे मेन लॉर्ड शिवा की मूर्ति। सुबह 6 बजे से यहाँ पर एंट्री स्टार्ट हो जाती है एंड नाइट में 8:40 को सब बंद हो जाता है। तो 7 बजे म्यूजिक वाला प्रोग्राम स्टार्ट होगा और उसके बाद लेज़र शो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है यहाँ का, उसी के लिए मैं शाम को आया हूँ। तो अभी देखते हैं रुककर कैसा होता है। और यहाँ पर ध्यान लिंगा भी आप मेरे पीछे देख सकते हो, फोटो में आपको नज़र आ रहा होगा। तो वो सब चीज़ें ना यहाँ से सीधा है, तो अभी वहाँ पर भी जाकर आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर शूटिंग तो अलाउड नहीं है बट मैं खुद जाकर आ जाता हूँ वहाँ पर। तो अभी हम स्टैचू के बैक साइड में आ चुके हैं और देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा है ना। यहाँ पर पूरा अभी बारिश का मौसम हो चुका है, पता नहीं अगर बारिश स्टार्ट हो गई तो लेज़र शो होगा या नहीं। उस जगह बहुत ज़ोरदार बारिश चालू है, अभी बारिश इधर इधर आ रही है। जिस चीज़ का डर था साला वही हुआ, अभी यहाँ पर भी बारिश चालू हो चुकी है। अगर बारिश आई तो जो लेजर शो है वो नहीं होगा, इतना फटाफट यहाँ का मौसम भी बदल जाता है। बहुत जोरों से बारिश चल रही है, आप लोग देख सकते हो। अभी यहाँ से मुझे निकलना ही पड़ेगा, लाइट शो वगैरह कुछ नहीं होने वाला है। अभी मुझे बस पकड़कर जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, जोरदार बारिश चल रही है। एक जगह पर जाकर रुकता हूँ और देखता हूँ। अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ कोयम्बतूर से। अभी मैं कोयम्बतूर के रेलवे स्टेशन पर जाने वाला हूँ, वहाँ से मेरी ट्रेन है बॉम्बे के लिए। तो ये जर्नी ना बहुत ज़्यादा मस्त थी, कल भी अधी होगी मैं कितनी ज़्यादा बारिश हुई, मस्त मौसम था यार। ये सब चीज़ें ना बार बार देखने को नहीं मिलती और ये मेमोरीज भी ना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पर हमारा डोसा आ चुका है और अभी देखना सांभर इसके ऊपर ही डलेगा। यहाँ पर अलग बाउल्स में आपको सांभर वगैरह नहीं मिले और चटनी है। तो अभी ये सब हाथ से ही खाना है, बहुत ज़्यादा गर्म है। Thank you.
ट्रेन यहाँ पर पहले से ही आकर खड़ी है, क्योंकि सुबह ये ट्रेन यहाँ पर आती है ना, ये इसी ट्रेन से मैं भी यहाँ पर आया था। तो अभी जो मेरा कोच है वो S5, क्योंकि इस बार मैं स्लीपर से जा रहा हूँ। तो अभी जाने के जर्नी का मैं वीडियो शूट नहीं करने वाला, क्योंकि सेम ट्रेन है, बस मेरा स्लीपर कोच है। इस बार AC का नहीं मिला है, क्योंकि उस टाइम भी स्लीपर था बट लक अच्छा था इसलिए AC का मिल गया। तो गाइज, आई होप कि आपको ये ट्रैवलिंग सीरीज़ पसंद आई होगी, क्योंकि इसके बाद भी मैं ट्रैवलिंग सीरीज़ ही बनाने वाला हूँ। एंड नेक्स्ट ट्रिप भी मेरी शायद साउथ इंडिया की ही होने वाली है, बट जो प्लेस रहेगी वो डिफरेंट रहेगी, आपको पता ही चल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो, जिससे कि आप और आपकी फैमिली और फ्रेंड्स साथ में घूमने आ सके इन प्यारी जगहों पर। अगर इस ट्रिप के मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि अभी भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा गर्म हो रहा है। और ऐसे गर्मी में अगर आप ऊटी घूमते हो तो आपको अलग ही मज़ा आ जाता है। और ऊपर से अभी मैं बॉम्बे में रहता हूँ, तो वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है। एंड यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा प्यारे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप कोयम्बतूर भी आते हो तो यहाँ पर आपको घूमने के लिए बसेस का ऑप्शन बहुत ज़्यादा बेस्ट है, चीप रेट में आप लोग अच्छे से घूम सकते हो। मेरी बस टॉय ट्रेन की जर्नी मिस हो गई, बट आप लोग वो कर सकते हो, आने से पहले ही IRCTC से उसके टिकट की बुकिंग करके आना। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो गए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो, ये रही मेरी इंस्टाग्राम ID, और जाकर फॉलो भी कर सकते हो। गाइस, मिलता हूँ मैं आपको जल्दी एक नए ट्रैवलिंग सीरीज के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।